स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे चिली के बारे में कि किस तरह से वहाँ सेल्वाडोर ओवंदे का जो गवर्नमेंट था उनको एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि जिसका नाम अगस्तो पिनोसे था, किस तरह से उसने तख्ता पलट किया था, कूप किया था और जो डेमोक्रेटिक वे में चुना हुआ गवर्नमेंट था उसको ख़त्म कर दिया था और फिर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और मिशेल वैसले जैसे लोग फिर से वहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। ये पिछले वीडियो में सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलैंड के बारे में। आपको मैप में दिखाए थे उस दिन कि पोलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है और वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएँ हुई थी, वो सारा चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्टोरी टाइप का है और इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि किस तरह से पोलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना और एक बहुत बड़ा चेंज ये देखने को मिला, क्योंकि एक फॉर्म जो गवर्नमेंट का था वो पूरी तरह से बदल के डेमोक्रेसी आ गया वहाँ पर। ठीक है, तो जानते हैं क्या हुआ था। इन 1980, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1980 की बात है, पोलैंड में उस समय पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स जो पार्टी थी, यहाँ भी इलेक्शन होता था, इलेक्शन होके ही ये सरकार बना हुआ था, लेकिन यहाँ अंतर यही समझना है कि कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होते हैं वो किस तरह डेमोक्रेसी से अलग होते हैं। पहले समझते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता क्या है और वो किस तरह से शासन करता है, इसको बहुत बारीकी से समझने का जरूरत है। स्टूडेंट, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या क्या होता है, उस समय यूरोप के, पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश कम्युनिस्ट शासन में चल रहे थे, वहां पे कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी। और कम्युनिस्ट में शासन व्यवस्था में एक खासियत होता है, एक विशेष उसका फीचर होता है कि वहाँ पे दूसरा कोई पार्टी नहीं बन सकता है। यानी कि अगर किसी देश में कम्युनिस्ट है शासन से चल रहा है कोई देश, तो वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही बनेगी, दूसरा कोई पार्टी नहीं बन सकता है। जैसे कि हम लोग हैं ना इंडिया में, तो बीजेपी भी है, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, सब तरह के पार्टी है यहाँ पे। लेकिन जहाँ कम्युनिस्ट देश है, जो कम्युनिस्ट देश है, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, दूसरी कोई पार्टी वहां नहीं बन सकता है। पीपल, वहां के जो लोग होते हैं वो फ्रीली अपने लीडर का चुनाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। वो किसी को भी चुनेगा तो वो कम्युनिस्ट का ही चुनेगा, उसके पास दूसरा कोई डिजायर ही नहीं है, दूसरा कोई च्वाइस ही नहीं है। वहां पे जहाँ कम्युनिस्ट शासन है वहाँ पर कोई यूनियन नहीं बना सकता, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता। हमारे यहाँ तो देखिएगा बहुत सारा यूनियन बनता है, हर गली हर मोहल्ले में एक यूनियन होता है, लेकिन जहाँ कम्युनिस्ट है वहाँ यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होता है। यूनियन बनाना इलीगल है, स्ट्राइक करना इलीगल है, हड़ताल नहीं कर सकते हैं और कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, जो बोलता है उसको पनिशमेंट मिलता है, उसे सजा मिलती है। और जो भी बड़ी संपत्ति होती है देश के अंदर उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टीज वेर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता। और जो मीडिया है उस पर सेंसर लगा होता है। सेंसर का मतलब समझते हैं, सेंसर का मतलब होता है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन से मीडिया कोई न्यूज नहीं छाप सकता है। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में वो कुछ लिख नहीं सकता है, अगर वो जानता भी है तब भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि ऐसा करना कम्युनिस्ट शासन में अपराध है और उसके लिए उसे सजा मिलती है। ठीक है, तो ये समझ गया कम्युनिस्ट क्या होता है। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो हमने बताया कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन था पोलैंड में, और उसको सपोर्ट कौन करता था। पोलैंड जो यूरोप का छोटा सा देश है, जो मैप में दिखाए थे आपको याद होगा कि पोलैंड
में जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका सपोर्ट सोवियत यूनियन कर रहा था, यूएसएसआर सोवियत यूनियन, ये पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट है और ये छोटे छोटे कम्युनिस्ट स्टेट को सपोर्ट करता था कि वो इस तरह की शासन को बनाए रखे, हर तरह से सपोर्ट करता था। यहाँ पे क्या हुआ कि 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त 1980 को जो वर्कर्स थे लेलिन शिपयार्ड एक बंदरगाह टाइप का था शिपयार्ड, यहाँ ये भी गवर्नमेंट ऑन था। इस लेलिन शिपयार्ड में हड़ताल हो गया। आपको बताया था कि हड़ताल करना इलीगल है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, फिर भी हड़ताल हो गया। वो कौन सा शहर था? गडांस्क शहर था। ये पूरा शहर स्ट्राइक, वो पूरा दूसरे ये शिपयार्ड स्ट्राइक पे चला गया था। क्या कारण था स्ट्राइक करने का? कि वहां पे एक शिपयार्ड में एक महिला क्रेन ऑपरेटर थी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था अनजस्टली, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से नहीं निकाला गया था, ऐसे ही निकाल दिया था। तो जो हड़ताली थे, जो स्ट्राइकर्स थे, वो चाहते थे कि इस महिला को फिर से काम पर वापस लिया जाए। बहुत छोटा सा बात था लेकिन इस छोटे से बात ने कितना बड़ा चेंज ला दिया वो देखने वाला बात। क्रेन ऑपरेटर को वापस लेना था, हड़ताल कर रहे थे लोग, करीब 10-20-50 लेबर होंगे वर्कर्स जो हड़ताल पे थे बैठे हुए। उसमें एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन की एंट्री हुई, उसका नाम लेक वालेसा था, उसका नाम था लेक वालेसा। इसको भी उसी शिपयार्ड से निकाला गया था 1976 में, यानी कि 4 साल पहले, क्योंकि ये ज्यादा पेमेंट का मांग कर रहा था लेक वालेसा, इसीलिए इसको भी नौकरी से निकाला गया था 1976 में। अब यही व्यक्ति उस हड़ताली से जाके मिल गया दीवाल फांद के, वो जो स्ट्राइकर्स थे उसके ग्रुप में जाके शामिल हो गया और वो जल्दी ही इस स्ट्राइकर ग्रुप का लीडर बन गया। लीडर बनने के बाद क्या किया कि इसने, इसके बाद लेक वालेसा ने जिस तरह से लोगों को प्रभावित किया, वर्कर से बात किया, धीरे धीरे पूरा शहर में ही हड़ताल हो गया। ठीक है, अब हड़तालियों की संख्या जो है वो दिनों दिन बढ़ने लगी, बहुत पॉपुलर ये मूवमेंट होने लगा। अब इस पॉपुलर मूवमेंट और इतने सारे लोगों का सपोर्ट देखकर वालेसा का डिमांड जो है ना, पहले तो छोटा सा डिमांड था क्रेन वर्कर को वापस लेने का, अब बहुत बड़े बड़े डिमांड हो गए। जितना लोगों ने सपोर्ट कर दिया ना, इससे उनका मन और बढ़ गया और वो बड़े बड़े डिमांड मांगने करने लगे, जैसे कि राइट टू फॉर इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, अब स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मांगने लगे। जो राजनीतिक बंदी थे, कैदी थे, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको छोड़ने के लिए क्या क्या मांग ये रखने लगे, वो ट्रेड यूनियन बना सके, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और पेपर के मीडिया पर जो सेंसरशिप है उसे हटाया जाए, ये सब मांग रखने लगे। स्लोली मूवमेंट बिकम पॉपुलर, बहुत पॉपुलर जब होने लगा, धीरे धीरे पूरे पोलैंड में ये हड़ताल होने लगा, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और 21 मांगों पर सहमति हुई लेक वालेसा और जनरल जारूजेलेस्की, जो वहां के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे प्रेसिडेंट, उन्होंने लेक वालेसा के साथ 21 मांगों पर स्वीकृति प्रदान की, तब जाके हड़ताल खत्म हुआ। अब क्योंकि इनको मांग जो इनका था हड़तालियों का वो पूरा हो गया था, तो अब इसने क्या किया कि न्यू ट्रेड यूनियन बना लिया। किसने? लेक वालेसा ने, जिसका नाम था सोलिडारिटी। क्या था? सोलिडारिटी। सोलिडारिटी एक ट्रेड यूनियन बनाया लेक वालेसा ने और इसके मेंबर बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में 1 करोड़ मेंबर हो गए इसके, और ये काफी, मतलब कि
जब पॉपुलर जब होने लगा तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जनरल जारू जेलेस्की, इनको बड़ा अखरने लगा। उसको लगा कि इस तरह से स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी, स्थिति जो कंट्रोल में उसको नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दी, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और पहले बता देते कि मार्शल लॉ क्या होता है, कर्फ्यू समझते हैं ना, कर्फ्यू लगा दिया। इसमें था कि कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं घूम सकता है, नहीं बात कर सकता है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो इस तरह से मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगाने के बाद क्या हुआ कि जितने भी उसके सॉलिडरिटी के मेंबर्स थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाने लगा, हजारों हजार सॉलिडरिटी के मेंबर जेल में डाले गए और उसे पनिशमेंट भी हुआ। और जितने भी अधिकार इन 21 पॉइंट में दिए गए थे उस समय 1980 में, वो सारे अधिकार वापस ले लिए। किसने, जनरल जारू जेलेस्की ने। इसने फिर से कंट्रोल करने का कोशिश किया, ठीक है, और वापस ले लिया। ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक वाज सॉलिडरिटी बिगेन इन 1988। फिर से दूसरा बार हड़ताल हुआ 1988 में। इस बार सॉलिडरिटी ने पूरा तैयारी कर लिया था कि अब क्या करना है। दिस टाइम पोलिस गवर्नमेंट, और इस समय पोलिस जो गवर्नमेंट थे जनरल जारू जेलेस्की, ये कमजोर पड़ रहा था क्योंकि इसको यूएसएसआर का यानी कि सोवियत यूनियन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। वहां पे विखंडन, अपने उस देश में विखंडन के कगार पे था, बहुत सारे देश उससे अलग होना चाह रहे थे, वो अपने समस्याओं में घिरा हुआ था यूएसएसआर, और इस वजह से वहां से सपोर्ट मिलना निश्चित नहीं था। पोलिस जारू जेलेस्की था वो वीकर पोजिशन में था और देश की जो इकोनॉमिक स्थिति थी उस समय बहुत खराब थी, बहुत वो डिक्लाइन में चला गया था। और ऐसे ही समय में लेख वालेसा ने इस पर अटैक, मतलब कि स्ट्राइक कर दिया। फिर से दूसरे राउंड का निगोशिएशन हुआ, फिर से समझौता हुआ लेख वालेसा और जारू जेलेस्की के बीच। और इस बार लेख वालेसा ने जो मांग किया था वो बहुत बड़ा मांग था कि अब पोलैंड में फ्री इलेक्शन यानी कि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ नहीं रहेगा, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगा और जो इलेक्शन में जीतेंगे वही यहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। और ये मांग को मान लिया जारू जेलेस्की ने। अगले ही वर्ष लेख वालेसा सॉलिडरिटी ने चुनाव लड़ा, इलेक्शन हुआ, जितने भी 100 सीट थे उस पर उसने इलेक्शन लड़ा और 99 सीट पर उनको सफलता मिली, विजय हुआ। और इस तरह से लेख वालेसा पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए। स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा ये युग को बदलने वाला, एक बहुत इतिहास को बदलने वाला घटना था कि एक कम्युनिस्ट सिस्टम में चलने वाला देश डेमोक्रेसी में चलने वाला देश बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करेंगे टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी का, आपके बुक में जो अगला टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या देखा। ये जो आपको दो कहानी बताए थे चिली का और पोलैंड का, तो इसमें हमने क्या देखा कि पोलैंड चिली में क्या हुआ था कि पहले डेमोक्रेटिक वे में चुनाव हुआ, गवर्नमेंट था वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी ही का था लेकिन इलेक्टेड प्रेसिडेंट था सल्वाडोर वाइंदे, उसको हटा के उसको रिप्लेस करके मिलिट्री आ गया वहां पे। मिलिट्री के समय लोगों को कोई अधिकार नहीं था, कोई राइट नहीं था। और उसके बाद फिर वहां पे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मिशेल बैसले वगैरह जो दूसरे लोग बने, तो वहां पे पहले था फिर हटा फिर आया डेमोक्रेसी चिली में। पोलैंड में क्या था कि पोलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को समाप्त करके डेमोक्रेसी आया, ठीक है। तो दोनों जगह हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी आ गया, तो इसका मतलब ये कि डेमोक्रेसी में कुछ तो बात है कि जो इतने वर्ल्ड के लोग जो हैं उसका डेमोक्रेसी का फैन है, वो डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं, उस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं, तो क्यों। हमने देखा
कि जब सेल्वाडोर ओविंदे को हटा के पिनोसे जब वहां का शासक बन गया, रूलर बन गया, और जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था जारू जेलेस्की का पोलैंड में, तो उस समय दोनों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे, पिनोसे के समय का चिले और पॉलिटिकल पार्टी जो था कम्युनिस्ट का, वो दोनों ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे, हालांकि बहुत सारे डिफरेंस थे, पिनोसे का अलग सिद्धांत था, इसका अलग नियम था शासन करने का, लेकिन कुछ बातें कॉमन भी थी इन दोनों में, इस दोनों में कुछ बातें कॉमन भी थी। कॉमन बातें क्या थी कि दोनों ही जगह पे पीपल कुड नॉट चेंज देयर रूलर्स, लोग अपने शासक को बदल नहीं सकते थे, यानी कि पिनोसे के समय का चिले में और जारूजेलेस्की के समय के पोलैंड में, दोनों जगह वो चेंज नहीं कर सकते थे रूलर्स को, वहां पे किसी बात की आजादी नहीं थी। देयर वॉज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, वहां पे अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी नहीं थी, ना तो कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की आजादी थी, ना किसी यूनियन को ऑर्गेनाइज करने या प्रोटेस्ट करने का या कोई पॉलिटिकल एक्शन करने का किसी चीज का राइट नहीं था वहां। अब इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। ये तो हमने देखा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पे क्या क्या होता है, और जहां डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जो अपने लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने शासक का चुनाव करें। और डेमोक्रेसी में क्या क्या अधिकार होता है लोगों को, यहाँ पे ये बात होता है डेमोक्रेसी में कि ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री, सिर्फ वही लोग शासन करेंगे जिनको जनता ने चुना है। डेमोक्रेसी का यही सिद्धांत है कि जो लोग चुन के जिनको चुन के जनता ने भेजा है वही शासन करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। और दूसरा है कि पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज। डेमोक्रेसी में लोगों को आजादी होती है अपने विचारों को रखने का, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का और किसी चीज का विरोध करने का पूरा अधिकार डेमोक्रेसी में जनता को होता है। हम देखते हैं ना अपने देश में कितने सारे विरोध होते हैं, सरकार के खिलाफ में नारे लगते हैं, जुलूस निकलता है, धरना प्रदर्शन होता है, शाहीन बाग याद होगा, अभी न्यूज में बहुत सुने होंगे। तो ये डेमोक्रेसी का फीचर है, यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं सरकार की नीतियों का भी, और जहां नहीं कर अगर ये अधिकार छीन लिया जाएगा तब डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आई होप कि यह टॉपिक आप समझ गए होंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो बुक को भी साथ में रखेंगे, इससे क्या होगा कि आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। अब आपका बुक जो है पेज नंबर, जो इसका सिविक्स का बुक है उसके पेज नंबर 7 में एक एक्टिविटी दिया गया है, उसको आपको बनाना है कि आपने क्या सीखा, ये सारे घटनाएं जो कहानी बताई उससे आपने क्या समझ को डेवलप किया, वो कुछ पेपर के कटिंग्स वहाँ पे दिए गए हैं, उसको अलग अलग कॉलम में सजाना है। ठीक है, तो वो आप सजा के हमको भेजोगे। और नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट वो है चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।